तेरी नजरों के हिसार में रहना है, बार बार रहना। वाह वाह। पूरी जिंदगी की तरह आज का दिन बिताते हैं। खुशबू में बसे खत 28 नवंबर से मंगल शब 8 बजे। दरवाजे पर बैल बजाने के लिए लगाई जाती है। हजार बार समझाया, इस घर में लड़कियां भी रहती हैं, इजाजत के बगैर मत आया करो। सलाम साहब, बुलाया आपने? जानते हो, बड़ा मकाम हासिल किया माशरे में इन सब लोगों ने अपनी मेहनत से। लोग झुक झुक कर सलाम करते थे इन्हें। चले गए सब, अपना वो मर्तबा मकाम मेरे हवाले करके। और ये देखो, आसमान ने क्या गुल खिलाया, सब बर्बाद। एक ठोकर से इज्जत, रोब और दबदबे की इलामत ये सारे बड़े बड़े लोग। मुंह के बल जमीन पर सब जा गिरे। लोग अमीन कुरैशी की आंख में आंख डालने से डरते हैं, लेकिन नौबत यह आ गई है कि मैं किसी से आंख मिलाने के काबिल नहीं रहा, तुमसे भी नहीं। नहीं साहब, उधर ऐसी बात मत कीजिए, मुरीद की इतनी औकात नहीं है। औकात? इसी की इतनी औकात थी जिसने अमीन कुरैशी की इज्जत पर हाथ डाला। पता करो मुरीद, वो कौन है जो हमारी अस्मा को यहां से लेकर चला गया है, उसकी हिम्मत कैसे हुई? जो हुक्म साहब, जो हुक्म। इधर देखो, लोग अमीन कुरैशी की आंख में आंख डालने से डरते हैं, लेकिन नौबत यह आ गई है कि मैं किसी से आंख मिलाने के काबिल नहीं था, तुमसे भी। औकात? किसी की इतनी औकात थी जिसने अमीन कुरैशी की इज्जत पर हाथ डाला। यस, 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 यस। हटो मेरे रास्ते से। जो भी मुरीद के रास्ते में आएगा कुचला जाएगा। अमीन कुरैशी, सरता उसका जहर मिला के नमक खिलाया। अरे जिसने किया था जीना मुश्किल,
ये गाड़ी है तो जहाज है यार, क्या गाड़ी है यार। क्या कर रहे हो? कुछ नहीं कुछ नहीं। साहब आप मारोगे तो नीना? नहीं। कैसी गाड़ी है? गाड़ी नहीं जहाज है। जहाज नहीं है गाड़ी है। सुनो बैठोगे? मजाक तो नहीं कर दो? मेरा और तुम्हारा मजाक है क्या? तो आओ बैठो। आ जाओ ना बच्चे, आ जाओ। ये चलो आ गया, तुम आओ। मिलता ही नहीं, कैसे पाऊं वो सुकून।
बहुत भरोसा किया था मैंने तुम्हारा, ये तरबियत की तुमने उसकी, जीते जी मार दिया मुझे। मेरा दिल नहीं मानता। दिल दिल नहीं तो मरवाया मुझे। काश काश मैं अपने दिमाग से काम लेता और अपनी आंखें खुली रखता। यहां से जाओ आसिया बेगम, और जाकर पूछो उससे उस बगैरत का नाम अता पता, कौन था वो जिसने, जाओ यहां से। तुम क्यों नहीं बता देती हमें, क्यों नहीं बता देती वो लड़का कौन था जिसके साथ गई थी? मैं सच कह रही हूं, मैं किसी के साथ नहीं गई थी, मैं कुछ नहीं जानती। तुम नहीं जानती तो तुम फिर किसकी गाड़ी में बैठकर गई थी, किसके साथ बैठ के चली गई थी? मम्मी भी बात का यकीन करें, मैं किसी के साथ नहीं गई थी, मुझे कुछ नहीं पता क्या हुआ था। मेरी बात का यकीन करें, मैं सच कह रही हूँ। तुम्हें याद नहीं है, तुम अकेली गाड़ी में बैठकर नहीं गई थी, बल्कि अपने कंधों पे अपने माँ बाप और पूरे खानदान की इज्जत का जनाजा उठा कर गई थी। मम्मी मैं सच कह रही हूँ, मेरी बात का यकीन करें, मैं यहाँ दुल्हन बन के बैठी थी, उसके बाद की कोई बात मुझे याद ही नहीं आ रही। उसके बाद क्या हुआ मुझे कुछ भी नहीं पता। मैं सच कह रही हूँ, आप तो मेरी बात का यकीन करें मम्मी, मैं सच कह रही हूँ, मुझे कुछ भी नहीं याद आ रहा, मेरी कोई गलती नहीं है। तो क्या हम मामू की कोई मदद नहीं कर सकता? मदद? मैं तो तुम्हारे और अमल के रिश्ते को खत्म करने का सोच रही हूँ। और तुम? ये क्या कह रहे हैं अम्मी आप? मैं ठीक कह रही हूँ, उस नमाजी परहेजगार लड़की ने जो जान चढ़ाया है, और एमल उसके तो मुझे अंदाज ही नहीं पाते। अम्मी ये बिल्कुल गलत सोच रही है, बजाय इसके कि हम मामू का साथ दें, आप उन्हें और मुश्किल में डाल रही हैं। इस चीज का मुझे अंदाजा है, इस उम्र में इंसान दूरंदेश हो जाता है, और जो मैं सोच रही हूँ वो तुम नहीं समझ सकते। मैं अपने अकलौते बेटे को किसी आग में नहीं झोंक सकती। शिफ्टिंग की तैयारी करो, अब हम यहाँ नहीं रहेंगे। पापा आप कहीं जा रही हैं? ये सब कुछ अचानक तो नहीं, तुम जानते हो कि मैं सिर्फ शादी के लिए यहां आई थी, और वो तो खैर इस घर का जिस तरह का माहौल चल रहा है उसमें मैं अपने अकलौते बेटे को तो नहीं देख सकती। आसिया ने कुछ कहा है तुमसे? जी, लेकिन वो बात दोहराने का मुझ में हौसला नहीं है। आप प्लीज अपने फैसले पे नजरसानी करें, मेरी अमल बेटी बहुत अच्छी है। औलाद तो सबको प्यारी होती है, मुझे भी अपना बेटा बहुत प्यारा है, मैंने सारी जिंदगी उसके आसरे काटी है। उसकी जिंदगी का फैसला करने से पहले मैं 100 बार सोचूंगी। तुम्हारी बड़ी बेटी ने जो कुछ किया है उसके बाद सब कुछ धुंधला सा गया है। तुम पहले अस्मा के बारे में सोचो, बाद में कुछ और सोचना।
मोहब्बत सजा है नहीं है इसमें जजा, मोहब्बत करोगे तो होगा जीना मुहाल, छोड़ो यार। आप यहाँ क्या कर रही हैं? कुछ नहीं, बस दिल बोझल हो रहा था, सोचा हल्का कर लूं। समझ सकता हूं मैं, इस घर के हर फर्द का दिल बोझल है मेरे समेत। बेचारे साहब, आप भी कोई भी बात मानने को तैयार ही नहीं है, शायद मान जाए तो सबका दर्द थोड़ा कम हो जाए। मान जाने से दर्द कम हो जाता है क्या? और हो सकता है उनका कोई कसूर ही नहीं है, वो भी गुनाह है, बिला वजह क्यों माने? I wish कि ऐसा हो, लेकिन ऐसा है नहीं, तुम भी जानते हो। तुम्हारे लिए एक बड़ी खबर है मेरे पास। पप्पू ने मेरे और अरसल के रिश्ते से इनकार कर दिया। मैंने कुछ नहीं कहा, मेरी मोहब्बत सच्ची है और इसी सच की ताकत है जो ये सब हो रहा है। आई नो तुम बहुत परेशान हो, तुम इस पोजीशन में ही नहीं। अब तुम्हारी जगह कोई भी होता ना, वो ऐसी परेशान होता। लेकिन तुमने उससे पूछा नहीं कि वो कौन था जिसके पास ये भाग कर गई थी? पर देखो कितना बेगैरत निकला, उसको वापस ही भिजवा दिया। लेकिन मुन्ना, वो तो कहती है मैं कहीं गई ही नहीं। क्या वो ये मान ही नहीं रही कि वो अपनी बारात के दिन घर से भाग गई थी? अनबिलीवेबल। वो क्या समझती है हम सब बच्चे हैं कि उसकी हर बात मान लेंगे? देखो मुन्ना, मैं आगे बहुत परेशान हूँ। आई एम सो सॉरी, मेरा ये मतलब नहीं था। मैं तो ये कहने की कोशिश कर रही थी कि तुम्हारी जगह कोई भी होता ना, वो इसी तरह परेशान होता। तुम्हें पता है नश्मिया क्या कह रही थी? वो कह रही थी अगर मेरी बेटी ऐसा करती ना तो मैं तो उसका गला दबा देती। आई टोल्ड नश्मिया, प्लीज नश्मिया डोंट बी ओवर ड्रामेटिक। लड़कियां तो ऐसी गलतियां करती ही रहती है ना, लेकिन हमारा काम है कि हम उनको एहसास दिलाएं कि ये पैसा, पोजीशन, स्टेटस, ये इतनी आराम से नहीं मिलता। लोगों की उम्रें लग जाती हैं इज्जत कमाने में, और इसने तो सब एक ही ठोकर में खत्म कर दिया। ऐसा सब लोग यही बात कर रहे हैं कि आसमान ने बहुत गलत किया। तुम्हें नहीं मालूम था कि किसी और में इन्वॉल्व्ड है? अरे नहीं, उसकी रजामंदी शामिल थी इसमें। What? Come off it, Asia. I doubt it. अगर मर्जी शामिल होती ना तो ये तमाशा ना करती। मैं जानती हूँ आप बहुत दर्द में हैं, मगर अफसोस मेरे पास आपके इस दर्द का कोई मरहम नहीं। कोई मरहम हो भी नहीं सकता। गिर जाना तो कोई बड़ी बात नहीं, आप ही तो कहते हैं गिरकर उठना ही जिंदगी है। मैं जानती हूं आप मुंह के बल गिरे, अगर खुद को मजबूत तो करें ना। मजबूत तुमने कहा, मैं जानती हूं, लेकिन शायद तुम ये नहीं जानती कि मेरे आगे आगे दीवार है और पीछे आग। जितना मैं आपको जानती हूं, ना आप आगे देखते हैं और ना ही पीछे, बस दीवार गिरा लेते। कोई तो हल होगा ना? हल है, खुद को मार लूं या आसमा को मार दूं या उसे जिंदा रख के सजा दूं, और ये सजा हम दोनों के लिए होगी।
क्योंकि अब उससे शादी तो कोई नहीं करेगा। हो सकता है कोई हो जिसको आप ना देख पा रहे। सलाम अलैकुम आंटी। वालेकुम सलाम बेटा, कैसी हो तुम? ओ माय गॉड, क्या हाल बना लिया तुमने अपना। आई बैग तो देखो, सोई नहीं ना? लेकिन सोगी भी कैसे, इतना बड़ा धोखा जो हुआ है तुम्हारे साथ। वैसे बेटा, ये जो आजकल के लड़के हैं ना, जो बिफोर मैरिज रिलेशनशिप में बिलीव करते ना, इन पे बिल्कुल भरोसा नहीं करना चाहिए। उफ, बहुत चलाक होते हैं। इसीलिए आज भी हम अपने बच्चों की अरेंज मैरिज ही प्रेफर करते हैं। आपसे किसने कहा कि मेरी जिंदगी में कोई और है? Isn't that obvious? ये क्या बकवास है? मैं कहीं नहीं गई थी, अपने कमरे में थी और उसके बाद क्या हुआ मुझे कुछ नहीं याद। और उसके बाद बेटा तुम फरार हो गई थी, ये हुआ था। मैं क्यों फरार होंगी? मैं कहीं नहीं गई थी, आपको समझ क्यों नहीं आ रहा है? बेटा तुम हमसे बहुत छोटी उम्र में, और इसका ये मतलब नहीं कि तुम्हारे लाड में हम तुम्हारी हर झूठी बात यकीन कर लें। तुम्हें अंदाजा भी है कि तुमने किया क्या है? तुम्हें पता है कि तुम्हारे फ्यूचर पे इसका कितना बड़ा असर होगा? तुम्हें कितनी बड़ी कॉम्प्रोमाइज करनी पड़ेगी? कुछ अंदाजा है तुम्हें? तुम्हारे पेरेंट्स पे क्या गुजर रही है इस बात का अंदाजा है तुम्हें? मुझ पे क्या गुजर रही है इसका अंदाजा किसी को नहीं। सब मुझे ऐसे मामले पे घसीट रहे जिसमें मेरा कोई कसूर ही नहीं है। मेरी बात का कोई यकीन ही नहीं कर रहा। मैं प्रूफ करके रहूंगी कि मैंने कुछ नहीं किया है। This is too much, Asiya. खौफ और गुस्सा बिना ही छीन लेते हैं। देखिए ना अपने आसपास या भले दूर, शायद कोई ऐसा हो जो आपका हुक्म ना टाल सके। हुक्म? कैसा हुक्म? वो है ना, कौन है जिसकी आप बहुत तारीफें करते हैं, जिक्र करते हैं काफी, उसका आपका खास वफादार नमक हलाल नौकर? हाँ वो है तो सही, कहीं तुम उस नौकर से मेरी बेटी की दिमाग तो नहीं खराब हो गया तुम्हारा? आप इस्मा का बस निकाह करते हैं ना उससे? बकवास बंद करो। एक नौकर की इतनी औकात कि वो अमीन कुरैशी का दामाद बन सके? मैं घायल जरूर हूं मलाइका, लेकिन मरा नहीं। दोबारा ऐसी बात तुम्हारी जुबान पर ना आए। हो सकता है कोई हो जिसको आप ना देख पा रहे। देखिए ना अपने आसपास या भले दूर, शायद कोई ऐसा हो जो आपका हुक्म ना टाल सके। कैसा हुक्म? वो है ना आपका खास वफादार नमक हलाल नौकर?
अरे आ गया मेरा बेटा, क्या बात है, किसी ने कुछ कहा है क्या? अम्मारी मुझे इस स्कूल में नहीं पढ़ना, मुझे उस स्कूल में पढ़ना है जिसमें बड़ी बेगम सेवा लोग जाते हैं। हाँ मेरे बच्चे, तुझे याद है ना अब्बा ने क्या कहा था, वो मालिक है और हम उनके नौकर। उस्ताद जी तो कहते हैं हम सबका मालिक अल्लाह है। ठीक कहते हैं तेरे उस्ताद जी, बिल्कुल ठीक कहते हैं। बस अम्मा जी, अब मुझे इस बड़े स्कूल में जाना है वरना मैं इसको नहीं जाऊंगा। साहब सो तो ना कर, मैं बड़े साहब से बात करूंगी। अब जा, जाके कपड़े बदल, मुंह हाथ धो, मैं रोटी डालती हूँ। इसके देखा हंसते, थोड़ा सा हंसते, कहा ना बात करूंगी, चल जा ये लेके जा। साहब जी कुछ चाहिए आपको? नहीं कुछ नहीं। बात करनी थी आपसे साहब जी। जो भी कहना है बीबी से बात करो, तनख्वाह बढ़ा दूंगा मैं। नहीं नहीं, तनख्वाह की बात नहीं है, मेरा छोटा है ना मुरीद, वो रो रहा था कि स्कूल नहीं जाऊंगा, मास्टर जी मारते हैं, जिद कर रहा है कि एमल बीबी के स्कूल जाके पढ़ूंगा। छोटा है ना, समझता नहीं है। मैंने समझाया उसे कि चल पागल, हम गरीब लोग हैं, इतने बड़े स्कूल में हमारे बच्चे कैसे पढ़ सकते हैं, सोचा एक बार साहब जी से बात कर लूं। मेरा मुरीद हेमल बीबी के स्कूल में पढ़ सकता है क्या? मैं दिन रात आप लोगों की खिदमत करूंगी, कोई शिकायत का मौका नहीं दूंगी, इतने सारे एहसान हैं आपके, एक एहसान और कर दें। मैं तुझे ढूंढ रहा था। अम्मा क्या हुआ? Thank you.
हाँ जी, नमक हलाल साहब, मुंशी करीम दीन साहब, पता कीजिए अपने साहब का, मुंह के बल गिरा है आपका साहब, और गिरा भी ऐसे है कि सारी की सारी मट्टी हलक में फंस गई है, सांस लेना मुश्किल हो गया है उसके लिए। Yes, 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 yes. सांस लेना मुश्किल हो गया है अमीन कुरैशी के लिए। सांस लेना तो मेरी अम्मा के लिए भी मुश्किल हो गया था ना मोची से। आप मुश्किल हुई होगी ना अम्मा को, जब अम्मा मुश्किल हुई होगी ना अम्मा मुश्किल हुई होगी ना आपको। मैं छोड़ूंगा नहीं इसे, अमीन कुरैशी को छोड़ूंगा नहीं मैं। साहब आप यहां मेरे गरीब खाने में तशरीफ रखिए ना प्लीज प्लीज। कोई बात कहनी थी तो मुझे बुला लिया होता, मैं पानी लेके आता हूं। रुको, बैठो। जी जी साहब, यहां बैठो। कैसे साहब, साहब ऐसा कैसे हो सकता है आपकी बराबरी में आपके सामने कुर्सी पे, साहब इतनी हिम्मत नहीं है मुझमें। जो कहना चाहते हैं हुक्म कीजिए, मैं खड़ा होकर सुन रहा हूं। हुक्म ही है। हां, पर हुक्म ऐसा कि मुझे आना पड़ा। ताबेदार, ताबेदार मुरीद, ताबेदार साहब। साहब, 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 सब ठीक है साहब, साहब।